ऐसी कई पजल्स पूछी जाती है। इस पजल से आप सीखेंगे नया तरीका, और इस अलग अलग तरीके से इस पजल्स में कौन सी जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो फॉर्मूला को ढूंढते हुए हमें यहाँ जो रिक्त स्थान है उसको ढूंढना है। या 5 आईपा है, 9 5 दिया गया है, 9 7 2 6 8 14 और 21 यहाँ पे ये निकालना है। इसे निकालेंगे या इसे निकालेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें से 4 में से कोई आंसर आएगा तो हम देखेंगे इसको 2 से, इस पद को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, और प्लस में ये मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 2 से गुणा दीजिए अथवा यहाँ गुणाकार करवानो, 2 वड़े अने यहाँ 2 वड़े भागाकार करी देवानो छे। यहाँ बराबर भागाकार करी देवानो आ स्टेप ने, एटले आ जे त्रीजू स्टेप छे मळे। तो 5 2 10, 5 2 10 और 8 4 8 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और उसका आंसर मिलेगा 14। बाद में 9 को करेंगे तो 9 2 18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 18 × 3 = 21 मिलेगा। 7 है तो 7 से, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और उसमें 2 को 1 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर 15 मिलेगा। तो यहाँ रिक्त स्थान पे हमें 15 मिलेगा जो आंसर हमारा सी होगा। तो इस तरीके से कि जो ट्रिक है और जो पजल्स है वो भी पूछी जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। कई एग्जाम में ऐसी पूछी जाती है। नई नई ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक करके सब्सक्राइब कर अपने मित्रों को भी जरूर भेजे, मुफ्त में वो सीखे जाएंगे। ये बलदेवपुरी साहिब का स्टूडियो से लाइव प्रसारित किया जाता है। आप अच्छे से बिल्कुल सहकार दीजिए जिससे कई लोगों को ये ट्रिक है सीखने में सहूलियत मिलेगी। आभार।